मेडिकल में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, भैया ने मुझे बताया कैसे क्या करना है, सब क्लियर हो गया मेडिकल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। रियल में मेरे पापा नहीं थे, फर्स्ट टाइम भैया से मुलाकात हुई थी, तब भैया ने मुझे वो पावर दी थी, वो मोटिवेशन दिया था, आज उसके बलोते मैं यहाँ पर हूँ। भैया पे भरोसा करना, मुझे विश्वास है भैया के ऊपर इतना कि भैया की गाइडलाइंस पे जो भी इंसान चलेगा ना, बिल्कुल चाहे जीरो हो, मैं विश्वास के साथ सकता हूँ वो 101% सक्सेस होगा। एक बार जोरदार तालियां राकेश के लिए। राजेश का बीएसएफ के अंदर सिलेक्शन हुआ, जिसके अंदर इसका कंप्लीट फिजिकल, रिटन और मेडिकल, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। मेरी पूरी टीम इसके ट्रेनिंग में जो भी दिक्कत परेशानी आएंगी सबको खत्म करने के लिए भगवान से प्रे करेगी। एक बार जोरदार तालियां। और सबसे पहले चार्ली अकेडमी की तरफ से मैं इस बच्चे का स्वागत करता हूँ कि इसने अपने चार्ली अकेडमी और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। जब मैं शुरू शुरू में आया था, मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे था, मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, नॉलेज थी। तो फर्स्ट टाइम मैं भैया से मुलाकात हुई थी मेरी, भैया ने मुझे बताया बेटा ये होता है यहाँ पे, इसमें ये सब्जेक्ट होते हैं, ये ट्रेनिंग होता है, एक सब चीज ब्रेस्ट सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज स्टेज से आपको क्लियर करना पड़ता है। वैसे वैसे मैं चलता रहा, टीचर स्टाफ इतना अच्छा था, इतना कोऑपरेट करता है बच्चों को, हर चीज में जो भी डाउट होता है, डाउट क्लास अलग होती है, लाइव क्लास अलग होती है, बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो क्लास के बाद आप अलग से आकर बिल्कुल अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास है यहाँ पर। आप बस लगाकर अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करना। मेडिकल में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, भैया ने मुझे बताया कैसे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ ट्रिक होती है, कुछ भैया का एक्सपीरियंस, भैया खुद भैया ने मुझे अच्छा गाइडलाइंस दी, ऐसा करना ऐसा करना, जो भी प्रॉब्लम थी मेरा कोई भी डाउट सब क्लियर हो गया मेडिकल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रियल में वो प्रॉब्लम थी, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला पापा और भैया का, तो शराब तो मेरे भैया इनके भरोसे में जो कुछ भी है। मैंने मेरे रियल में मेरे पापा नहीं थे, फर्स्ट टाइम भैया से मुलाकात हुई थी, तब भैया ने मुझे वो पावर दी थी, वो मोटिवेशन दिया था, आज उसके बलोते मैं यहाँ पर हूँ। जो कुछ है मैं अपने भैया को मानता हूँ, अपने पापा के बराबर मानता हूँ, मैंने भैया को जो कह देते हैं उसी की बात मानता हूँ। आज इस मुकाम तक रहता हूँ, सारा मुकाम भैया के सराखों पर रखता हूँ कि जो भी मेरा सक्सेस का जितना भी सिरे जाता है भैया के ऊपर जाता है, क्योंकि मुझे गाइडलाइंस देने के, हर बच्चों से एक ही बात कहूंगा, पढ़ाई हर बच्चा करता है बट एक गाइडलाइंस की जरूरत बहुत होती है, एक बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या करना चाहिए। ओनली रिटर्न रिटर्न नहीं, फिजिकल के लिए भी होता है, रिटर्न भी होता है, मेडिकल भी होता है। भैया ने हर चीज में मेरी मदद करी है, फिजिकल में भी, मेडिकल में भी, रिटर्न में भी। इन बच्चों से भी यही कहूंगा, भैया पे भरोसा करना, मुझे विश्वास है भैया के ऊपर इतना कि भैया की गाइडलाइंस पे जो भी इंसान चलेगा ना, बिल्कुल चाहे जीरो हो, मैं भी विश्वास के साथ सकता हूँ वो 101% सक्सेस होगा। अपने बहनों से कहूंगा कुछ मत करना, एक मन में विश्वास रखना, भैया जो कह दे उसको अपने सर पे रखना, सराखों पे रखना, आप 101% सक्सेस हो गए, बिल्कुल 101% सक्सेस हो गए। तो एक बार मैं जोरदार तालियां बोलूंगा राकेश के लिए। तो मैं आज इस बच्चे के कहने के मुताबिक और मैं अपनी पूरी टीम के बदौलत बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में जिस तरीके से मैं रणनीति बना करके जैसे ही भर्ती निकलता है, इस बार का जो रिजल्ट होगा, जैसे 108 बच्चों का रिजल्ट मेरा एसएससी आर्मी जीडी के अंदर आया था, उसी तरीके से 53 बच्चों का सिलेक्शन का रिकॉर्ड जो है दिल्ली पुलिस का मैं तोड़ूंगा। और जो इसने बोला है सचमुच में ये बरक्तन है इसका कि मेरे बारे में इतना जो बोल रहा है चार्ली अकेडमी के बारे में। सभी बच्चे जो भी कामयाब होते हैं मैं उनके माँ बाप और उन बच्चों का दिल से थैंक्स बोलूंगा, और इस बच्चे के लिए भी एक बार जोरदार तालियां।